చేస్తున్నారు. ये देखिए, ये इंडियन रॉक पैथन है. ये रॉक पैथन इधर बस्ती में आया था. ये बस्ती में आने के बाद ये लोग ने मेरे को फ़ोन करने के बाद इधर आके इसको रेस्क्यू कर लिए. ये देखिए, कभी भी रॉक पैथन को हैंडल करना है बोले तो बहुत सोच और समझदारी के साथ, क्योंकि ये वेनमस तो नहीं होता है मगर इसकी पकड़ और जकड़ इतनी मजबूत होती है. तो ज़्यादातर ये अपने फूड को खाने के लिए जो भी जीव जंतु को वो एकदम से जकड़ के उसको मार के पूरा निगल लेता है. तो ऐसे ही कोई भी इसको फ्री हैंडलिंग करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट रहने के बाद ही इसको हैंडल कर सकते हैं. और ये रॉक पैथन के दांत जो है डबल जॉ रहता है. कम से कम इसका अगर बेबी पैथन अगर रहे तो भी कम से कम 80 से 90 दांत रहते हैं इसके. कभी भी अगर इसका अगर किसी को बाइट हो गया तो मांस पूरा उसका पूरा उधर से मांस पूरा खींच ले के लाएगा, क्योंकि इसके दांत जो है यू टाइप में रहते हैं. ये देखिए इसका जॉ डबल जॉ रहता है. इसको ऊपर साइड देखिए डबल जॉ है. करने के लिए बहुत कसरत करना पड़ता है, क्योंकि ये रॉक पैथन जो है बहुत ताकतवर शक्तिशाली रहता है. तो कोई भी अगर बगैर प्रोफेशन के कोई पकड़ने की कोशिश ना करिए. ये देखिए, रायचूर में ये अमरेश्वर कॉलोनी है. ये दातार नगर के बगल में है अमरेश्वर कॉलोनी, जो कि आशापुर रोड पे पड़ता है. तो ये इधर निकलने के बाद ये लोगों सूचना देने के बाद मैं इधर आके रेस्क्यू किया.
तो कोई भी हमारा देख के कोई भी हमारी नकल ना करे, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। Nothing can stop me, I'm all the way.